रोमन रेंस के बदलेंगे कपड़े, आएगा नया थीम सॉन्ग, लेकिन कब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। वैसे आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर हम कुल मिलाकर 4 से 5 बड़ी खबरें कवर करेंगे, जिनमें मेन खबर रहेगी हमारे रोमन रेंस की। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि CM Punk की न्यूज के साथ। तो वैसे CM Punk ने फिर से WWE की खिल्ली उड़ा दिया और इस बार दोस्तों कुछ ज्यादा ही लो मारा है। आप जानते हैं CM Punk WWE से बाहर WWE को देखते आ रहे हैं और बीच बीच में दोस्तों काफ़ी क्रिटिसाइज भी किए हैं। इस बार उन्होंने फिर से दोस्तों क्रिटिसाइज किया है WWE की द रेट्रीब्यूशन स्टोरी लाइन को। तो CM Punk ने दोस्तों एक स्टोरी डाली जिसके अंदर दोस्तों दिखाई दे रहे हैं शेन थॉर्न, जो कि रेट्रीब्यूशन के मेंबर है और उनके चेहरे पर लगा हुआ है मास्क। यहां दोस्तों CM Punk ने स्टोरी डालते हुए क्या चीज़ कही, वही चीज़ बोले कि ऐसा तब होता है जब आप केटरिंग का काम कर रहे हो और आपके पास बहुत सारी कागज की पतले पड़ी हो, तो आप उसमें छेदे डाल के इस तरीके का मास्क बनाते हैं। काफ़ी तगड़े वाली बेइज्जती की आप देखना होगा ये कि इस पर WWE के ऑफिशियल्स का क्या रिएक्शन आता है और WWE आगे किस तरीके से स्टोरी लाइन को बढ़ाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी घटिया स्टोरी लाइन है। द रेट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दोस्तों मिक्सचर है नेक्सिस का और बाकी की शील्ड का, जो कि दोस्तों जस्टिस सर्व करने की बात करते तो थे लेकिन कभी भी जस्टिस सर्व नहीं करते थे, वो अच्छे सुपरस्टार्स की पिटाई किया करते थे शुरू में। तो कुल मिलाकर दोस्तों दो बड़ी स्टोरी लाइंस का, दो बड़े स्टेबल का ये मिक्सचर है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है सो बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है द होल फकिंग शो यानी कि रॉब वैन डैम से। तो RVD का हो सकता है WWE के अंदर रिटर्न। आप जानते हैं रॉब वैन डैम अभी इंपैक्ट रेसलिंग के साथ साइंड है और इंपैक्ट रेसलिंग में काफ़ी बढ़िया भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है ये क्या वो WWE के अंदर लौट सकते हैं। तो गाइस जी हाँ, वो लौट सकते हैं और लौटने के दोस्तों उन्होंने बड़े बड़े टीजर भी गिराए हैं। हाल ही में दोस्तों रॉब वैन डैम दिखाई दिए थे PWJ के साथ, जहाँ दोस्तों पॉडकास्ट में वो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बोले। रॉब वैन डैम ने ये चीज़ कही सबसे पहले तो कि इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर बहुत सारी फाइट्स दे रहे हैं, अमूमन इतनी फाइट वो नहीं देते हैं, लेकिन वही बात लगी जब ऑल एलीट रेसलिंग की, वो बोले कि वो AEW के अंदर नहीं जाना चाहते। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें AEW के अंदर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ तुम काफ़ी अच्छे मैच दे पाओगे, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे मैचेस पास्ट में दिए हैं तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट AEW। वहीं WWE के साथ को ये चीज़ बोले कि हाँ WWE के अंदर मैं लौट सकता हूँ और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं मेंशन नहीं करने वाला हूँ, जो कि सामने नहीं आने वाले हैं, लेकिन WWE के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो रॉब वैन डैम दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं अपने WWE रिटर्न को लेकर और इन फ्यूचर वो देखने को मिल भी सकता है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, वो जुड़ी है दोस्तों स्टेफनी मैकमैन से। स्टेफनी मैकमैन ने बेच दिए हैं अपने WWE के स्टॉक्स, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में। तो गाइस आप जानते हैं WWE जो है वो विंस मैकमैन की कंपनी है, लेकिन इसके अंदर कई लोगों के स्टॉक्स है, कई लोगों की भागीदारी है, जैसे कि स्टेफनी मैकमैन की हुई, ट्रिपल एच की हुई, शेन मैकमैन की हुई और जो उनके मालिक है यानी कि WWE के जो मालिक है विंस मैकमैन, उनकी भी अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी है। और इसमें से दोस्तों 2 मिलियन स्टेफनी मैकमैन ने निकाल दिए हैं अपने स्टॉक्स को दोस्तों क्लियर कराते हुए। दोस्तों स्टेफनी मैकमैन लगभग 1 अरब रुपया बैंक से निकाल लिया। मैं नहीं जानता वो इस पैसे का क्या करने वाली है, लेकिन एक काफ़ी ह्यूज स्टोरी है। हम चलते हैं आज के अपने सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जेफ हार्डी से। तो अमरीका के कबीर सिंह ने दोस्तों ये चीज़ कह दी है कि जब वो रिटायर होंगे तो फिर वो WWE के साथ नहीं दिखाई देंगे। तो कई रेसलर ऐसे रहे हैं जो कि रिटायर होने के बाद अपनी सर्विसेज WWE को देते आए, वो कभी कोच बन गए तो कुछ दोस्तों बैक स्टेज एम्प्लॉय बन गए, लेकिन जेफ हार्डी क्या चीज़ बोले हाल ही में, वो चीज़ बोले कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं WWE के साथ नहीं बना रह पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कोच बनने के काबिल हूँ, ना ही मैं किसी को कोच कर भी पाऊंगा। हाँ मैं अपने लड़कियों को जो अच्छी कोचिंग दे सकता हूँ, मेरी बेटियाँ हैं 2, उन्हें मैं काफ़ी अच्छी कोचिंग दूंगा रेसलिंग की, लेकिन मैं WWE के साथ नहीं बना रहूँगा। तो जेफ हार्डी जो कि दोस्तों लगभग 43 साल के हो चुके हैं, मेरे हिसाब से 6 से 7 साल में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों WWE के साथ नहीं बने रहेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, नाम है 1xBet। एक तरह की बेटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों को पट्टा लगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। बस यही है कि आपको बिंड में कमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं यूज़ करें हमारा प्रोमो कोड हिंदी गॉसिप, तो आपको मिलते हैं $100 जो कि आप इस थिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। IPL का आ चुका है सीजन, तो अब भी क्या बिचाए लाभ उठाइए, लिंक इन द पिंड। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है
बिग डॉग रोमन रेंस से जिनका गियर और थीम सॉन्ग होने वाला है चेंज। तो हाल ही में दोस्तों रोमन रेंस फेसबुक इंटरव्यू के दौरान काफी ह्यूज थिंग बोल गया। हाल ही में दोस्तों फेसबुक पर लाइव आए थे बिग डॉग, जिसमें उन्होंने काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स गिराई। सबसे पहले तो दोस्तों रोमन रेंस का कहना यह रहा कि वो अपनी स्वाट जैकेट छोड़ने वाले। तो स्वाट जैकेट यानी कि दोस्तों पुलिस की तरह जो जैकेट पहनकर आते थे वो आजकल हमें नहीं दिखाई दे रहे उस गियर में। दरअसल रेंस का कहना यह रहा कि देखो द शील्ड के डेब्यू से लेकर अभी तक हम उसी गियर में थे, मैं उसी गियर में था द शील्ड वाले में, जिसके अंदर मैं ब्लैक जैकेट पहनकर आया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है और इस संडे से मैं बिना किसी जैकेट के बिना किसी टी शर्ट के फाइट करने आने वाला हूं। तो बेयर चेस्ट आने वाले हैं रोमन रेंस, उनके शरीर पर खासकर दोस्तों उनके कमर से ऊपर आपको कोई भी कपड़ा नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स दोस्तों रोमन रेंस काफी एक्सप्लोसिव लगने वाले हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए उनकी पैंट्स की, तो रोमन रेंस ने ये चीज कही कि पैंट के साथ ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं होने वाली है, पैंट्स तो मेरी सेम ही रहेगी, पैंट वो पहनेंगे वो कच्चा वच्चा पहनकर नहीं आने वाले हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों थीम सॉन्ग की, तो रोमन रेंस ने अपने थीम सॉन्ग के ऊपर भी काफी बड़ा अपडेट दिया। वो ये चीज बोले कि WWE उनके लिए नया थीम सॉन्ग देख रहा है और नया थीम सॉन्ग जल्द उनकी आर्टिलरी में जुड़ेगा। वहीं बात की जाए बिग डॉग थीम सॉन्ग क्यों चेंज कर रहे हैं, तो गाइस जैसी अपडेट्स है बताया जा रहा है कि जब कोई रेसलर हील में तब्दील हो जाता है तो उसके हील किरदार को बेहतर दिखाने के लिए WWE उसकी थीम सॉन्ग में हल्का सा दोस्तों चेंज डालती है, और इसलिए दोस्तों उनका थीम सॉन्ग भी चेंज होने वाला है। रोमन रेंस ने ये चीज बताई है कि संडे को ऐसा नहीं होने वाला है, यानी कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में उनका थीम सॉन्ग नया नहीं होगा, लेकिन जल्द दिखाई देगा यानी कि जल्द हमें सुनाई देगा। वहीं साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज कही, वो बोले कि अभी और भी चेंजेस आने बाकी है और जो मीट है वो थोड़ी देरी से पकागा, यानी कि दोस्तों जो मीट है उसे पकने में थोड़ी सी देरी लगेगी। माना रोमन रेंस कह रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अभी तो दोस्तों उन्होंने हमें दो चेंजेस के बारे में ही बताया है। पहला तो ये चीज़ बताई है कि थीम सॉन्ग उनके लिए बनाया जा रहा है और जल्द एक नया एंट्रेंस म्यूजिक उनके लिए हमें WWE लाता हुआ नजर आएगा। और वहीं दूसरी थिंग जो बताएं वो ये क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर वो बिना टी शर्ट के आएंगे, दैट मीन्स दोस्तों ब्रांड न्यू गियर में होंगे बिग डॉग। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये चीज भी बताई है कि इन दोनों चेंजेस के अलावा भी बहुत कुछ प्लान किया गया है। वेल, जैसे कि दोस्तों हम रोमन रेंस को देख रहे हैं, हमें पता है कि रोमन रेंस ने अपनी बॉडी में चेंजेस लाए हैं, दैट मीन्स दोस्तों काफी बढ़िया शेप में दिखाई देंगे संडे। प्लस दोस्तों उन्होंने टैटू करवाया, काफी ह्यूज थिंग है, टैटू को शो ऑफ करने का भी ये तरीका हो सकता है बेसिकली। प्लस दोस्तों जो रोमन रेंस है वो सुपरमैन पंच मारना बंद कर चुके हैं, दैट मींस दोस्तों रोमन रेंस की तरफ से हमें ब्रांड न्यू मूव्स भी वहां देखने को मिल सकते हैं। तो काफी मजा आने वाला है, एक नया रोमन रेंस दिखाई देगा संडे। कितने लोग एक्साइटेड है अभी के अभी लाइक करके मुझे सो बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।